लिंक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट ना सिर्फ आपकी रियल लाइफ में बट ऑनलाइन भी लिंक्स आर योर नेटवर्क्स, लिंक्स से यू आर एबल टू क्रिएट कनेक्शंस यू आर एबल टू क्रिएट नेटवर्क यू आर एबल टू क्रिएट अपॉर्चुनिटीज इसी तरह जो ऑनलाइन वेबसाइट है उसके भी लिंक्स बहुत जरूरी है उसके लिंक्स इसलिए जरूरी है बिकॉज लिंक्स पेव वे फॉर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एस सी ओ जो कि एक बहुत इंटिग्रल पार्ट है और जिसके लिए डीजी स्किल्स एक पूरा कोर्स भी ऑफर करता है तो फॉर सर्चिंग ऑप्टिमाइजेशन लिंक्स आर क्रूशल और मैंने आपको एक वेबसाइट uh, भी बताई है जो डब्ल्यू थ्री स्कूल अबाउट एच टी एम एंड हाउ दे वर्क एंड वाई दे आर इंपोर्टेंट तो जब हमने लिंक्स की बात की द क्वेश्चन इज के हाउ डू यू एड लिंक्स टू मीडिया फाइल्स मीडिया फाइल्स से मुरादे कोई भी ऐसी फाइल जो कि या तो एक इमेज uh, हो सकती है या इट कुड बी अ पीडीएफ कैसे आप ऐड कर सकते हैं वेल टेक्निकली आर टू ईजी वेज एक उसमें तरीका ये कि आप सीधा अपने पोस्ट को खोलें जाके या पेज को खोलें या कस्टम पोस्ट को खोलें अपनी जो भी इमेज है उसको ऐड करें इमेज को ऐड करने के बाद उसके ऊपर क्लिक करें इंसर्ट यू आर एल के आपके पास टूल बार में ऑप्शन होगी वो एड करें जिस तरह आपने टेक्स पे एक लिंक ऐड किया था वैसे ही यू वुड बी एबल टू एड अ ल लिंक टू योर इमेज तो एक तो बहुत ही सिंपल ये तरीका है दूसरा तरीका ये है कि आप एड मीडिया बटन पे क्लिक करें और एड मीडिया बटन पे जब आप इमेज को सिलेक्ट करते हैं तो राइट साइड पे जो आपके ऑप्शन हैं दोज ऑप्शन विल एक्चुअली शो यू कि आप उस इमेज को किससे लिंक करना चाह रहे हैं या आप इमेज को एक कस्टम यू से लिंक करना चाह रहे हैं या आप डायरेक्ट उसकी जो बड़ी इमेज की फाइल उससे लिंक करना चाह रहे हैं या आप उसको एक अटैचमेंट पेज से लिंक करना चाह रहे हैं थ्री ऑप्शन हैं जो आपको वर्ड uh, प्रेस देगा वेन इट कम्स टू लिंकिंग मीडिया क्वेश्चन जो आपके जहन में यहाँ पे शायद आए जो आप शायद सोच भी रहे हो कि इज़ इट पॉसिबल टू ऐड टू हाइपर लिंक्स टू वन इमेज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सोचें ज़रा और मुझे इसका जवाब खुद दें क्या एक इमेज uh, पे हम दो हाइपर लिंक्स डाल सकते हैं द शॉर्ट इन स्वीट आंसर टू दैट इज़ अ नो बिल्कुल उसी तरह जिस तरह लाइफ में आपके पास काफ़ी रास्ते होते हैं लेकिन आप एक रास्ते पे ही चल के अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच सकते हैं वैसे ही लिंक्स आर वन वे डेस्टिनेशन और एक एंड पे इसकी लोकेशन आपको एड uh, आप सिर्फ कर सकते हैं इमेज पे भी इसी तरह यू कैन एड जस्ट वन लोकेशन और वन लिंक नाउ द क्वेश्चन इज कि आप इन लिंक्स को एडिट किस तरह से कर सकते हैं विच वी वॉन्ट टू एक्चुअली टीच यू आप सिंपल लिंक पे क्लिक करेंगे उसके ऊपर एक पेंसिल का आइकन है वो पेंसिल का आइकन क्लिक करेंगे दिस कुड बी अ स्टैंडलोन लिंक और दिस कुड बी एन इमेज विच हैज़ बिन लिंकड पेंसिल के आइकन को क्लिक करने के बाद आप वहाँ पे अगर कोई एडिट्स करना चाह रहे हैं कोई वेबसाइट अपडेट करना चाह रहे हैं वहाँ पे आप वो आ, कर सकते हैं लिंक uh, आप नया ऐड कर सकते हैं इफ़ यू वांट, बट यू कैन आल्सो रिमूव दैट लिंक रिमूविंग लिंक क्यों ज़रूरी है अगेन एस से रिलेटेड ये चीज़ है आपने देखना है कि लिंक्स आप कितने डालना चाह रहे हैं कितने रिमूव करना चाह रहे हैं बट रिमूविंग लिंक्स इज इक्वली इंपॉर्टेंट रिमूव करने के लिए आप उसी के साथ जो एक्स का बटन है वो दबाएंगे एंड द लिंक विल बी रिमूव द सेम प्रोसेस For simple links and the same process for images or for any kind of file. Another question that might come to you is how can I add or remove HTML links using code? Links will be removed. We will give you a live example. Are links important for SEO? They are crucial for SEO. ऑप्टिमाइजेशन के लिए लिंक्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स एंड एक लास्ट बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शुड आई एड मोर एंड मोर लिंक्स टू माई वेबसाइट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल विन एडिंग लिंक्स आप एक पेज पे सौ से ज्यादा लिंक्स नहीं डाल सकते दैट्स नॉट गुड फॉर एस सी ओ आप बल्कि पचास से भी ज्यादा लिंक्स नहीं डाल सकते आप बल्कि दस से भी अगर ज्यादा लिंक्स डालें तो देट माइट बी अलिटिल ट्रिकी Uh, इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि ऐसी का हमारा एक डेडिकेटेड कोर्स है उस कोर्स को जाके लें उस कोर्स को जाके पढ़ें समझें देखें नाउ लेट्स एड लिंक्स टू आर वेबसाइट तो हम जाते हैं एक वेबसाइट बीनगुरु और उस पर जाके वी विल सी कि कैसे लिंक्स एक्चुअली वर्क तो बीनगुरु आप खोलेंगे इट्स अ टेक्नोलॉजी वेबसाइट वहाँ पे वी विल ट्राई टू सी अगर कोई लिंक्स एड हुए हुए हैं टो आई क्लिक ऑन अ लिंक टू और ये देख रहे हैं आप ये सारे लिंक्स हैं एवरीवेयर यू सी लिंक्स इधर एक एग्जाम्पल आपको नजर आएगी देखें ये आपको ग्रीन में नजर आ रहा है टेक्स्ट अगर आपको कोई भी ऐसा टेक्स्ट नजर आता है विच हैज अ डिफरेंट कलर टू द नॉर्मल टेक्स्ट दैट्स मोस्ट इज अ लिंक और लिंक के ऊपर एक हाथ का निशान इस तरह हैंड का एक निशान चेंज हो जाता है विच शोज यू दैट इट इज अ लिंक So, इस तरह आप जब वेबसाइट पे जा रहे हैं तो यू कैन सी के लिंक्स आर ऑलवेज ऑफ अ डिफरेंट कलर जब भी नॉर्मल टेक्स्ट है उससे डिफरेंट कलर का लिंक आपको नजर आएगा यहाँ पे आपको देख रहे हैं कि अगर मैं इस लिंक के ऊपर अपना माउस लेके जा रहा हूँ तो इट शोज अ हैंड आइकन लाइक दिस दैट हैंड आइकन शोज के दिस इज अ लिंक नाउ वील डू इज विल गो टू आर वेबसाइट एंड वी विल एड फाइल उसी पोस्ट को बल्कि मैं यूज करूंगा जो मैंने पहले ऐड की थी एंड आई एम गोइंग टू एडिट इट इसी लिंक को जिस तरह मैंने आपको बताया अगर मैंने एडिट करना है आई विल क्लिक ऑन द पेंसिल आइकॉन एंड मैं इसका लिंक चेंज कर सकता हूँ आई कैन पहले ये google.com पे जा रहा था नाउ आई कैन पुट youtube.com सिंपली लिंक चेंज हो गया लिंक तब तक सामने रिफ्लेक्ट नहीं होगा जब तक आप अपडेट का बटन नहीं क्लिक करेंगे सो कीप दिस इन माइंड जब भी आप कोई एडिट करते हैं यू हैव टू क्लिक दी अपडेट बटन ताकि सामने फ्रंट एंड पे आपके विजिटर्स के लिए रिक्वायर्ड uh, चेंजेस नज़र आ जाए सो दिस इज हाउ यू एडिट अ लिंक इसके अलावा कुछ आपको मैं ऑप्शन दिखाना चाहूंगा विच आ वेरी क्रूशल सो एडिट का बटन क्लिक करेंगे तो लिंक ऑप्शन के नाम से एक आपको टूल uh, नजर आएगा इधर यू कैन सी लिंक टेक्स्ट यू कैन सी यू आर एल आप क्लिक कर सकते हैं इफ़ यू वॉन्ट लिंक टू ओपन इन न्यू टैब

इसका लिंक चेंज हो गया है तो दिस इज वन वे इसी तरह इमेज पे अगर मैंने लिंक ऐड करना है तो आई कैन गिव यू एन एग्जांपल के अब ये एक गोल्डन गेट ब्रिज है इसका इमेज मुझे नजर आ रहा है तो आई कैन क्लिक ऑन दिस इमेज आई क्लिक ऑन लिंक एंड आई विल अगेन जस्ट लिंक इट लिंक्स का फॉर्मेट प्लीज याद रखिएगा और अब आप देख रहे हैं ये लिंक इमेज जो है वो लिंक हो गया आई क्लिक ऑन अपडेट आई गो ऑन द मेन वेबसाइट एन एल सी के देखें ये इमेज क्लिक हो गया अगेन हैंड का आइकन नजर आ रहा है मैं क्लिक कर सकता हूँ और ये इमेज एक नए लिंक पर खुल जाएगा वट इफ आई वॉन्ट टू रिमूव दिस आई सिंपली क्लिक ऑन दिस एंड आई क्लिक ऑन द लिंक आइकन अगेन एंड आई विल जस्ट बी एबल टू रिमूव दिस लिंक को मैं रिमूव करूंगा और मैं सेव कर लूँगा इसी तरह अगर मैंने डमी से यहाँ पर जो टेक्स्ट है मेरे पास लिंक रिमूव करना है क्लिक ऑन रिमूव लिंक एंड आई कैन रिमूव लिंक दिस इज हाउ यू कैन वेरी इजीली ऐड एडिट और रिमूव लिंक्स एक और चीज़ मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि अगर आप डायरेक्ट मीडिया लाइब्रेरी से एक इमेज को ऐड कर रहे हैं तो आप वहाँ से भी लिंक ऐड कर सकते हैं मैंने इमेज क्लिक किया राइट साइड पर मेरे पास लिंक टू की ऑप्शन है आई कैन एड अ कस्टम यू आई कैन इंसर्ट इन पोस्ट एंड नाउट लिमिट इज अगेन लिंक तो दिस इज अ फ्यू ऑफ द मैनी वेज इन विच लिंक्स वर्क एंड लिंक्स वर्क फॉर एनी फाइल टाइप आप किसी भी फाइल टाइप को अपना लिंक करना चाह रहे हो तो आप ये मेथडॉलॉजीज यूज करके लिंक कर सकते हैं एक लास्ट एग्जाम्पल मैं आपको दिखाना चाहूंगा लिंक्स की अगर आपने एक लिंक एड किया हुआ और आप अपने टेक्स्ट एडिटर पे जाते हैं आप टेक्स्ट एडिटर पे अगर इसका लिंक का जो टैग है वो निकाल दें तो ऑटोमैटिकली द लिंक विल बी रिमूव्ड वेल। तो हमने इसमें क्या सीखा कि लिंक्स वाई आर दे इंपॉर्टेंट एंड हाउ यू कैन एड एडिट और रिमूव लिंक्स नॉट जस्ट ऑन टेक्स्ट बट ऑल्सो ऑन इमेजेस एंड डिफरेंट काइंड ऑफ फाइल टाइप्स